सरकारी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल बनाकर लोगों का रास्ता बंद करने वाले दबंगों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया और अवैध कब्जे को बुलडोजर से तोड़ दिया। प्रशासन ने साफ किया कि किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। रीवा के कलेक्टर इरिया राजा टी ने अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए। SDM संजीव पांडे ने अपने दल बल के साथ बुलडोजर चलवा कर अतिक्रमण कर बनवाई बाउंड्री वॉल को तोड़वा दिया। जवा तहसील के डभौरा बस्ती में शासकीय भूमि पर गांव के ही रामजी यादव ने 20 सालों से कब्जा कर रखा है। बाउंड्री उठाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिसकी शिकायत गांव के ही जगमोहन यादव ने 2018 में कलेक्टर कमिश्नर SDM के साथ साथ CM हेल्पलाइन में भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जगमोहन यादव एक बार फिर से कलेक्टर इलियाराजा टी के दरवाजे को खटखटाने पहुंचे। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसका मामला पूरा ये है कि मतलब ग्राम डबहुगा की आराजी नंबर 969 के अंतर्गत अनावेदक रामजी पिता वासदेव यादव द्वारा शासकीय भूमि में चारों तरफ पत्थर खतरी जोड़ करके आवास योजना बना करके मंदिर और हैंडपम्प लगा करके पूरा रास्ता जाम कर दिया था। इसके बाद फिर हमें ये 2 साल से लगातार पत्राचार कर रहा हूँ, जिसमें तहसीलदार ने कई बार लिखा है पटवारी को कि मतलब उन्हें आप मौके पर जांच करें और पुलिस बल ले करके मतलब अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको बेदखल करें। इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई तो मतलब मैंने नए नवीन कलेक्टर महोदय से मुलाकात पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब मैंने इसको हम तत्काल बेदखल कर देंगे। इसके अलावा बाद में फिर करीब 8 तारीख को तहसीलदार साहब मौके पर आए, उन्होंने समझाइश के दौर पर मतलब वो मामला निपटाया। तत्पश्चात 9 तारीख को SDM कंसर तहसीलदार जवा नायब तहसीलदार डभौरा ब्रिज मौके से हल्का पटवारी मौके से उपस्थित हुए। उन्होंने मौका देखने के बाद जब शासकीय भूमि अतिक्रमण पर आएगा तो पूरी खखरी मतलब मैंने चारों तरफ से गिरा दी गई है, जिसमें अभी मौजूद है आवास योजना, मंदिर और हैंडपम्प। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।